पतक जैसी लड़की बाजी देना, आते ही आपकी हंसी निकल जाएगी। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटा फुट टच करो। नहीं नहीं, फिर जूते उतार लेती है ध्यान से। बेटा मुझे चाय बनाई है ना, लेकर आओ। और हाँ, GST भी लेकर आना, खिलाओ इनको जरा। उन्होंने किस चीज का टैक्स देना है, उन्होंने क्या लिया? ओह माय गॉड, तानू मैं कुछ नहीं कहना। GST का मतलब है ग्रिल सैंडविच टोस्ट। अरे रहने दीजिए मौसी, मेरा मतलब दीदी, जिनकी पहले से वैट लगी हो उन्हें GST का क्या पता होगा। देखा जुगराज जी, लड़की कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इसके लिए तो यही लड़का सही रहेगा। पगड़ी मैचिंग है। हाँ तू रंग दे ले। और आपको पता है फायदा भी ऐसी बीवी का, आप हॉकी वॉकी खेल के आए थके, अपना भी तो टाइम पास करना होता ना। पत्ते बड़ा अच्छा खेलती है, आओ भाई आए। खैर छोड़ो बाजी, बड़ी संस्कारी लड़की है, मैं तो कहती हूँ अभी के अभी कुंडलियां मिलवा लो, हाय 36 के 36 गुण मिलेंगे। हाँ एक बार तो तलाशी ली इनके घर की, कटोरियां और चम्मच भी मिले थे, गुण नहीं मिलते इनके। कपूर तुम कब तक कटोरी और चम्मच ढूंढते रहोगे? हाँ कभी तो दिल भी ढूंढ लिया करो। ये तो मामला गड़बड़ है भाजी। मामला भाजी पूरा गड़बड़ है, कुड़ी ने नहीं सुधरना। मैं इसके लिए बिरयानी देख रही हूँ, खिचड़ी पे डुली हुई है। देखो इनकी शादी तो नहीं हो सकती, इनकी तो हॉकी इनसे लंबी होती है। ओ कप्पू बेबी, ये लड़की देखने आए हैं, हॉकी के लिए लकड़ी थोड़ी है ना। लड़की बड़ी संस्कारी जी, बहुत। नहीं नहीं, साडा मुंडा भी बड़ा संस्कारी है जी। जो ऐसे चुप लोग होते हैं ना, एक सेंटर में जाकर ट्रा एक्चुअली होता है सारा ही पता है। पता है ना, जो सबसे ज्यादा शांत होता है ना, ऐसे होता है। शादी होगी ना, सारे रिश्तेदार गए, फिर करते हैं और कोई नहीं है। देखो पाजी, ये लड़की हमारी बहुत संस्कारी है और बहुत मेहनती है। आप इसके सर पे थोड़ी सी रुई लगाओ, पैर में लगाओ एयरबड। ये ना सिर्फ देखने का नजरिया है पाजी, इन्हें लगता है कि मैं ईयरबड हूँ, अब बाकी लोगों को लगता है कि हम उनके लव बर्ड हैं। तो बस आओ। कबीर पाजी, दोनों को साथ में खड़े करके तो देखें कैसी जोड़ी लगती है। तुम्हारा अपना मंत्री कर रहा है। अजी वैसे एक जनता के डिमांड है, साथ में खड़े हो। साथ में दो। आओ ना जीजू, उठो ना प्लीज। ठीक है जी। यार जोड़ी लग रही है यार। अजी ऐसे लग रहा है कि जाट ने छप्पड़ तो ने ऐसे पतक निकाला हुआ। आई आई। नहीं नहीं, लड़की बड़ी संस्कारी, सारा घर का काम जानती है। जानती भाई सोचो कुछ इसके बारे में। हाँ हाँ, और शादी के बाद सब्जियां मैं बना लूंगी, आप बस रोटी बना लीजिएगा। क्यों रोटियां बनाएंगे, ढाबे पे लगे हैं ढाबे। नहीं वो क्या है ना, वो मुझसे रोटी ना चकोर बन जाती है। आप चकोर बनाइए, गोलियां खुद कर लेंगे। देखो बाजी, हॉकी की बहुत बड़ी फैन है, आपको पता है जहाँ भी आपका मैच होता था ट्रक के पीछे लटक के जाती, नंगे पैर पहले पहुंच जाती थी, है ना फैन है ना। कौन सा मैच देखा बताइए। ओ अजलान शाह कब देखने गई थी, वो भी इसने कप सुना, तो कप और प्लेट का सुनते ना ये लोग निकल जाते हैं, इनको लगता है शायद खाने पीने का सामान मिलता है। दीदी मुझे लग रहा है ना कुछ जलने की बू आ रही है। एक मिनट, तुमने गैस पे दाल तो नहीं रखी थी? अरे जल गई वो, बेटे मुझ तेरा दफा हो यहाँ से। अच्छा कुकर जानबूझ के नहीं बंद करती, सीटियां बड़ी इंजॉय करती है, चलो कोई तो मार रहा है। आज तूने कहा नहीं, मेरे दादाजी बड़े बहुत बड़े हॉकी हैं। वो हॉकी नहीं, हॉकी प्लेयर थे, और पता है ध्यानचंद जी ने खुद अपनी हॉकी उन्हें दी थी। ये भी तो बता कहाँ दी थी, इधर दी थी उन्होंने। हट। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे खानदान से, बोलो क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया ना उन्होंने। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम फालतू में खामखा बात बिगाड़ देते हो दीदी। अच्छा सरला बात तो सुन, इधर तबीयत ठीक नहीं सरला की, इधर कम है क्या? अरे छोटे चूजे। तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की, शाबाश। मैं जाऊं? जा, अंडे की पीली जर्दी जा। यार चुप तो रुको, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ।